डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे कि हनुमान जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों के बीच की लड़ाई कैसी दिखाई दे रही है आपको, और जो कमलनाथ दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है? देखिए राजीव जी, पहले तो हनुमान जी वाले विषय पर ही आ जाते हैं। कमलनाथ स्वयं को हनुमान भक्त कहते हैं। छिंदवाड़ा में जो उन्होंने हनुमान जी का मंदिर है वहां सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है। आपको याद होगा अभी मुश्किल से 15 दिन या 1 महीने पहले एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया था कि कमलनाथ तो कुछ भी कह देते हैं, मैंने वो उन्होंने नहीं बनवाई मूर्ति, जबकि दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ये साबित हो गया। डीबी लाइव पर हमने भी एक स्पेशल शो बनाया था, आपको याद होगा कि वो सबसे बड़ी मूर्ति कमलनाथ ने ही बनवाई है। सारी तस्वीरें उसका आर्किटेक्चर से लेकर उसका जो डिजाइन था उस तक के डेट वाइज चीजें हमने बताई थी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये भी एक कोण है कि कमलनाथ स्वयं को सच्चा सनातनी हिंदू बताकर, हनुमान भक्त बताकर, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में से वो एक बाण छीन लेना चाहते हैं जो तथाकथित हिंदुत्व का बाण भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में रहता है। विक्रम मस्ताल की जो उम्मीदवारी है उसे मैं एक प्रतीकात्मक उम्मीदवारी के रूप में ही देखता हूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका 4 बार रहना ही उन्हें अलोकप्रिय बना चुका है जी। भारत की राजनीति में बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जन्मभूमि ग्वालियर में चुनाव हारे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे हैं, चुनाव कोई भी हार सकता है, लेकिन इस प्रतीक के जरिए कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की है कि हनुमान जी हमारे पास भी हैं। लेकिन अगर कांग्रेस वो गलती करेगी जो नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में की थी तो मुझे लगता है वो अनुचित होगा। नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी को बजरंग बली के समकक्ष रख दिया था, बजरंग दल को के समकक्ष रख दिया था, तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए एक अभिनेता को एकदम हनुमान जी बताने की अगर कोशिश कांग्रेस करेगी तो वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत कारगर उपाय होगा। अब जो आज पहली सूची आई उस पर थोड़ी थोड़ी बात कर लें। एक तो इस सूची में सबको समाहित करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। जहां तक मेरी जानकारी है, जब पहली बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम छांट कर जब राहुल गांधी के सामने रखे थे, तो राहुल गांधी ने सबसे पहली आपत्ति ये की थी कि इसमें महिलाएं इतनी कम क्यों हैं। शायद इसीलिए दोबारा वो पूरी कवायद बार 3 बार बैठक हुई और फिर आपने जो आंकड़ा बताया वो अब सबके सामने है। तो ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो हम आदिवासी सीटों के रूप में जानते हैं, सबको एक साथ लेकर इस सूची में समाहित किया गया है। जोखिम भरा काम भी है, कई लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की जिद थी कि अब 50 साल से कम वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। जब आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे बने थे अध्यक्ष, उसके बाद भी ऐसे बयान आए थे। इसमें 65 उम्मीदवार 50 साल से कम के हैं, तो ये प्रयोग धर्मिता स्वाभाविक है, बीजेपी को चौंकाने के लिए पर्याप्त कारण है। इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम भी कटे हैं, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जो कमलनाथ के खुद के बहुत करीबी हैं, उनकी जब सरकार थी तो वे विधानसभा के स्पीकर थे, उनका टिकट कट गया है। एक रोचक बात और है इसमें कि स्वयं कमलनाथ पहली बार जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव आम चुनावों के साथ लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार वे प्रत्याशी नहीं थे चुनाव के समय, सरकार बनने के बाद उनके एक सहयोगी ने इस्तीफा दिया और वे उपचुनाव लड़कर विधायक बने थे। अपने पूरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कमलनाथ पहली बार पूरे विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं। कई और रोचक चीजें हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उनकी ही पार्टी से आया थे अवधेश नायक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। अवधेश नायक संघ की परंपरा से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्ष कार्यकर्ता हैं, ओटीसी किया होगा उन्होंने, और उन्हें कांग्रेस ने अपने में शामिल करके नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उतारा है। दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। तो इस तरह के कई जोखिम भरे कदम कांग्रेस ने सूची में उठाए हैं ऐसा दिखता है, और निश्चित तौर पर यह सूची ठोक बजाकर बिल्कुल छन्नी में छान कर सामने आई है। परिणाम क्या होंगे ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए कई चीजें इसमें सोचने लायक हैं। जी राजीव जी,
ग्वालियर से आप हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार जी हैं कांग्रेस प्रत्याशी, डीबी लाइव से बात करते हुए वो कह रहे हैं कि झोपड़ी वाले सिंधिया के महल का को गिराएंगे। जरा सुन लेते हैं पहले, ये बहुत मजेदार बाइट है, जरा सुनते हैं, चर्चा करते हैं, जरा आपसे समझूं, फिर सीधे आऊंगा पांडे जी के पास में और छत्तीसगढ़ चलेंगे, वहां क्या कुछ हो रहा है। चाचा भतीजा आमने सामने, भतीजा सांसद और चाचा मुख्यमंत्री, कद्दावर दोनों, क्या कुछ, कैसी फाइट होने वाली है, शंकर पांडे जी बताएंगे। लेकिन उनसे पहले जरा ये शिकरवार जी को, सतीश जी को हम सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ग्वालियर पूर्व विधानसभा है, आप यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं, सिंधिया जी का क्षेत्र माना जाता है, सिंधिया जी का महल भी है, उनके प्रभाव को कैसे काट पाते हैं? एक महल एक हजार एक लाखों झोंपड़े हैं, लाखों झोंपड़े महल को ध्वस्त कर देंगे। एक महल है, लाखों झोपड़ियां हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बयान क्या मायने रखता है यहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम सब लोगों के लिए एक व्यक्तिगत विषय है कि डॉक्टर सतीश सिकरवार एमएलबी कॉलेज जो ग्वालियर का है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े हैं, जिसमें मैं भी पढ़ा हूं, हमारे छात्र संघ के, हमारे नहीं, हमसे तो बहुत जूनियर है सतीश सिकरवार, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका डॉक्टरेट भी उसी विषय में है जिसमें मेरा डॉक्टरेट है। सतीश सिकरवार जमीनी नेता हैं ग्वालियर में, लगातार वे पार्षद का चुनाव जीतते रहे, उनकी पत्नी पार्षद का चुनाव जीतती रही। ग्वालियर में जब कांग्रेस महल मुक्त हुई और सिंधिया मुक्त हुई, उसके बाद आधी सदी बाद कांग्रेस ने मेयर का चुनाव जीता। स्वयं माधवराव सिंधिया अपने जीवन काल में ग्वालियर में महापौर का चुनाव कांग्रेस की झोली में नहीं ला सके थे, महापौर का पद। वो महापौर डॉक्टर सतीश सिकरवार की धर्मपत्नी है, शोभा सिकरवार। ये जो मर्म की बात सतीश ने कही है कि महल और झोंपड़ी की लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है उनके दिमाग में कहीं ये भी होगा जो कयासबाजी हम सब लोग लगाते रहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर वे प्रत्याशी होंगे तो डॉक्टर सतीश सिकरवार उसको महल और झोंपड़ी की लड़ाई बना देंगे, दिए और तूफान की लड़ाई बनाएंगे, ऐसी उनकी मंशा इसमें दिखाई दे रही है। ये इस नजरिए से भी देखिए कि यही डॉक्टर सतीश सिकरवार जब बीजेपी से चुनाव लड़े थे तो सिंधिया के खासमखास मन्नालाल गोयल ने कांग्रेस के टिकट पर इनको चुनाव हराया था 2018 में। फिर सतीश कांग्रेस में आ गए, मन्नालाल गोयल सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए, उपचुनाव में टिकट भी मिला, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सबसे खासमखास प्रत्याशी मन्नालाल गोयल को सतीश के सामने नहीं टिका सके और सतीश सिकरवार ने मन्नालाल को चुनाव हरा दिया था। ये बड़ी बात है। और उसके बाद महापौर का चुनाव कांग्रेस की झोली में लेकर आया सतीश। तो जो झोंपड़ी और महल की लड़ाई सतीश बनाना चाहते हैं वो परिदृश्य ग्वालियर चंबल अंचल में बन चुका है। महल की हार तो उसी दिन हो गई जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना संसदीय सीट पर चुनाव हार गए थे 1.25 लाख वोटों से। तो मुझे लगता है सतीश ने एक तरह से चुनौती भी दे दी है, प्रकारांतर से उन्होंने ये ऑफर भी दे दिया कि महाराज आप भी आ जाइए बीजेपी से टिकट लेके विधानसभा चुनाव लड़ो। बीजेपी यहाँ दबती हुई नजर आ रही है या कांग्रेस कितना यहाँ दबाती हुई बीजेपी को नजर आ रही है? राजीव जी, मैं अचल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चाहकर भी हिंदू मुसलमान वाला कोई चुनावी माहौल नहीं बना पा रही अब तक। उसने पूरी कोशिश की है, चाहे महाकाल लोक हो या रैदास के नाम पर, संत रविदास के नाम पर लोक बनाने की बात हो, आदि शंकराचार्य का लोक बनाया जा रहा है ओंकारेश्वर में, मूर्ति लग गई बहुत बड़ी चीन से बनकर आकर, लेकिन आम जनता में असर नहीं हो रहा इन मुद्दों का। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री, उनके नेता, उनके प्रवक्ता सब जब भी मौका आता है कांग्रेस को सनातन का दुश्मन, आतंकवादियों का हमदर्द वगैरह वगैरह सब तरह के टैग लगाती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे पर टिकी हुई है। मुझे आज भी याद है जब चुनाव शुरू हो रहा था डेढ़ दो महीने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आए थे, उन्होंने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को, लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही, चाहे कमलनाथ के बयान देख लें या छोटे से छोटे उनके प्रवक्ता के बयान देख लें। आप प्रादेशिक चैनलों की डिबेट्स में उनको देखेंगे, प्रवक्ता अपनी बात पर अड़े रहते हैं,
खूब बीजेपी का प्रवक्ता कहता है आप सनातन के दुश्मन है, वो कहता है ये बताओ महाकाल लोक में मूर्तियां कैसे गिर गई, वो कहते हैं साहब ये आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, वो कहता है व्यापम में घोटाला कैसे हुआ था। लगभग हम रोज ही ऐसे नजारे देखते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों पर इस चुनाव में जा रही है। कल की हमें और प्रतीक्षा करनी है राजीव जी, कल 16 तारीख को कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने वाली, कमलनाथ भोपाल में पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वचन पत्र, कांग्रेस आमतौर पर मैनिफेस्टो को वचन पत्र कहती है, वो अपना जाहिर करने वाली, घोषित करने वाली। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से घोषणाएं की थी, उन पर कितना अमल हुआ ये सवाल भी कल हम लोग पूछेंगे कि आपने 15 महीने की सरकार में अपने वचन पत्र में से क्या क्या लागू किया था, अब नया क्या लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करके भी कांग्रेस को अपनी पिच पर नहीं ला पा रही, अपने मैदान में नहीं लेके आ पा रही। इसके उलट कांग्रेस अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है, मजबूर होकर बीजेपी को उसके उत्तर देने पड़ रहे हैं। आप राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचकर देख लीजिए कि बीजेपी के पिछले 3 महीने में जितने मुद्दे हैं, जितने गुब्बारे फैलाए गए, उनकी हवा कितने दिन में निकल गई। एक देश एक चुनाव, हवा निकल गई। इंडिया बनाम भारत, देश का नाम बदलने वाले हैं मोदी जी, संसद का विशेष सत्र बुलाया है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो मुद्दा भी हवा हो गया। सनातन का मुद्दा माननीय मोदी जी विदेश जाने से पहले अपने कैबिनेट के साथियों से कहकर गए थे, संसदीय दल की बैठक में कहकर गए थे कि इस मुद्दे पर अड़े रहना, इससे गरमाना है। आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है सनातन का मुद्दा? थके हुए बीजेपी के प्रवक्ता या प्रदेश अध्यक्ष अनर्गल प्रलाप करते हुए, विषय कोई और चल रहा होता, वे कहते हैं सनातन के दुश्मन है, जनता भी नहीं सुन रही उनकी इन बातों को। तो मुझे लगता है मध्यप्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और एक अंतिम बात राजीव जी, शायद अखिल सर ने कहा कि बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है बीजेपी ने, आपने उस दिन से आज तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं देखी होगी कि ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस को बड़ी चिंता हुई है कि 7 सांसद उतर गए, एक राष्ट्रीय महासचिव आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आने वाले हैं चुनाव लड़ने। और मैं अभी से आपको बता दूं, शेष बची हुई 86 सीटों में से कई सीटें ऐसी जो इन दिग्गजों वाली हैं। अभी कांग्रेस अपने परंपरागत प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाएगी, कांग्रेस का कोई बड़ा दिग्गज नरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने दिमने नहीं आने वाला। संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं कांग्रेस के, अभी भी विधायक हैं। कांग्रेस वहां किसी दिग्गज को चुनाव लड़ाने नहीं जा रही। शिवराज सिंह के खिलाफ पिछली बार अरुण यादव को चुनाव में उतारा था, लेकिन इस बार एक सिने अभिनेता को उतार दिया। यानी कांग्रेस इस बात का टेंशन नहीं ले रही है, वो ये शो कर रही है कि हमको कोई चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं भी आ जाए तो हम उनका स्वागत करेंगे चुनाव लड़ने में। ये राजनीतिक जो तेवर है ये परिपक्वता दर्शाते हैं किसी भी दल की। और मुझे लगता है बीजेपी को अब ये चिंता करनी पड़ेगी कि उसके 10 मुख्यमंत्री इस वक्त गली गली घूम रहे हैं, आने वाले कल के 3 दिसंबर के मुख्यमंत्री, उनमें से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए बशर्ते 116 सीटें आ जाए। तो ये मजेदार होने वाला चुनाव है राजीव।